तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हेरिटेज फूड के स्टॉक के बारे में। हेरिटेज फूड के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, जिसके बाद से अभी अगेन हमको स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अभी अगेन हमको स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर अगेन देखने को मिल रहा है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 5.52% की यहाँ पर एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। साथ ही आज तेजी से हमको यहाँ पर स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिला है। ब्रेकआउट की बात करें तो जो ये स्टॉक है पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार 314 का जो लेवल है इसी के नीचे यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 329 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन और अच्छी तेज़ी और अच्छी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 350, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 375, और अगर स्टॉक इसको भी यहाँ ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 400, और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 425 450 तक के लेवल्स भी यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 314 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 305 एंड देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन 292 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।